हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल डिजिटेक टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कोई भी फाइल या फोल्डर को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कोई फाइल या फोल्डर को एनक्रिप्ट करने का फायदा यही होता है कि उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को आप जिस पीसी में एनक्रिप्ट कर रहे हैं उसी पीसी में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, और कोई कंप्यूटर या पीसी से उस एनक्रिप्टेड फाइल फोल्डर को एक्सेस या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके कंप्यूटर अगर कोई नेटवर्क के अंदर है तो जिस कंप्यूटर में आपने उस एनक्रिप्टेड फाइल या फोल्डर को रखा है सिर्फ आप उसी कंप्यूटर से उसे एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी नेटवर्क में कनेक्टेड किसी और कंप्यूटर से एनक्रिप्टेड फाइल या फोल्डर को एक्सेस या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये एक सिक्योरिटी फीचर्स है और एनक्रिप्शन का फायदा यही होता है। तो कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से इस एनक्रिप्शन को परफॉर्म कर सकते हैं वो हम जानेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का हम लोग नाम दे देते हैं और इस फोल्डर का हम लोग जो नाम दे देते हैं वो दे देते हैं TEST। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमने फोल्डर अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, तो ये एक नॉर्मल सा फोल्डर है। इसे आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए, ये फोल्डर एनक्रिप्टेड नहीं है, ये एक नॉर्मल फोल्डर है। अगर इस टाइम में आप इसके अंदर कुछ भी कॉपी करेंगे या पेस्ट करेंगे या फिर इसके अंदर कुछ भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा। तो कैसे हम लोग इसको एनक्रिप्ट करेंगे वो हम जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले सर्च में जाके आप टाइप कीजिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब देखिए, इसको करने के लिए जो हम लोग कमांड का इस्तेमाल करेंगे वो है साइफर। तो साइफर कमांड के बारे में अगर आपको नहीं पता, सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में टाइप कीजिए CIPHER साइफर, उसके बाद एक स्पेस देके \?? और इसको एंटर करने पे आपको साइफर के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। इसका अलग अलग स्विचेस होता है जो हम लोग साइफर कमांड के साथ इस्तेमाल करते हैं और इस पर्टिकुलर एनक्रिप्शन को करने के लिए हम लोग इसके साइफर के साथ जो स्विच इस्तेमाल करते हैं वो है \(E) और डिक्रिप्ट करने के लिए \(D)। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इसे करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग का जो टेस्ट फोल्डर है इसका लोकेशन हम लोग पता कर लें। तो सिंपली आप चाहे तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो टेस्ट फोल्डर को ओपन करके आप ऊपर यहाँ पे देखिए जो बार है उसके ऊपर क्लिक करने पे आपको इस फोल्डर का पूरा जो पाथ है वो इस तरह से दिखा देगा। C users user desktop test, यहाँ पे आप देख सकते हैं C users user desktop test, ये है इसका लोकेशन, पाथ लोकेशन। या आप और एक काम भी कर सकते हैं, तो पहले हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका लोकेशन जो है हमें लगेगा तो हम लोग कॉपी कर ली। एक और तरीका इसका है कि कोई भी आप फोल्डर या फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके अगर प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में जो है यहाँ पे आपको देखिए लोकेशन इसका बता दिया जाएगा। तो फिलहाल तो हम लोग इसका लोकेशन जो है कॉपी कर लिए हैं। आप क्या करते हैं, हम लोग CMD ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे CIPHER स्पेस \(\) देके E, यानी कि एनक्रिप्शन, उसके बाद स्पेस देके ये जो फोल्डर है इसका पाथ। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पॉज करके जो कमांड है वो इसे लिख सकते हैं। देखिए ये वो कमांड है, साइफर स्पेस \(\) स्पेस, आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर का पाथ जो है प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। अब जैसे ही हम लोग इसे एंटर करेंगे तो इंक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट और ये इंक्रिप्शन हो चुका है। अब अगर
आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट फोल्डर का जो आइकॉन है वो चेंज हो गया है, और इसके साइड में एक लॉक साइन जो है यहाँ पे दिखा जा रहा है, यानी कि ये फोल्डर जो है एनक्रिप्टेड फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर आप कुछ भी फ्यूचर में अगर आप एनक्रिप्टेड कोई भी फोल्डर के अंदर जो है फ्यूचर में आप कुछ भी क्रिएट करते, जैसे कि आप अगर आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ऑटोमेटिकली एनक्रिप्टेड हो जाएगा। अगर इसके अंदर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो वो भी एनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ये तो हुआ कैसे हम लोग कोई फोल्डर को एनक्रिप्शन करें कमेंट कमांड के मदद से। अगर हम इसी फोल्डर को डिक्रिप्ट करना चाहें तो हमें जो कमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो है, उसके लिए फिर हम लोग सीएमडी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें कमेंट देना है वो सॉरी सीएमडी यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कमेंट दीजिए CIPAGR साइफर स्पेस फ्रंट स्लैश डी यानी कि डिक्रिप्ट, और आपको इसका पाथ जो है फिर से फोल्डर का पाथ यहाँ पे मेंशन करना है। इसे भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ये कमेंट लगाना पड़ेगा साइफर स्पेस फ्रंट स्लैश डी स्पेस, आपको टेस्ट फोल्डर का जो है पाथ प्रॉपरली मेंशन करना है। जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो ये डिक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए डिक्रिप्शन होने के बाद फोल्डर जो है उसका आइकॉन फिर से चेंज हो गया है, यानी कि अब अगर फ्यूचर में आप इस फोल्डर के अंदर डिक्रिप्ट करने के बाद कुछ भी आप लोग इसके अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट जो है नहीं होगा। अब इसको ओपन करते हैं, ये डिक्रिप्ट हो चुका है। अब इसको ओपन करने पे आप देख सकते हैं कि इसके पहले से जो क्रिएट किया हुआ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो एनक्रिप्टेड ही है, लेकिन अभी अगर हम लोग कुछ भी इसके अंदर न्यू कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर या फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो है ये एनक्रिप्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं बाकी दो पहले से किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो एनक्रिप्टेड है, लेकिन अभी हमने जो पेस्ट किया इसके अंदर या क्रिएट किया वो एनक्रिप्टेड नहीं है। तो इसको रीनेम हम लोग कर देते हैं, तो इसको हम लोग रीनेम करके इसका एक नाम दे देते हैं, उसका नाम हम TEST2 दे देते हैं। TEST2 ये हो गया हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम। अब देखिए अभी तो हमने जाना कि कैसे आप लोग साइफर कमेंट के मदद से कोई भी फोल्डर को एनक्रिप्ट कर सकते हैं या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप साइफर कमेंट के मदद से कोई भी फाइल को अलग अलग टाइप का फाइल जैसे कि text.txt फाइल .docx फाइल .exe फाइल या कोई भी किसी भी टाइप का फाइल हो आप उसे कैसे एनक्रिप्ट करेंगे। इसके लिए आपको उस फाइल का जो है एक्सटेंशन पता होना चाहिए, जैसे कि ये हमने क्रिएट किया है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो इसका एक्सटेंशन है .txt। आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे तो उसका एक्सटेंशन जो है आपको प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, ये बेसिकली इसका जो एक्सटेंशन है वो .docx यानी कि डॉक्यूमेंट है, तो आप एक्सटेंशन पता कर लीजिए। आप देखिए इसका जो लोकेशन है आप टेस्ट टू का, इसे भी आप प्रॉपर्टीज में जाके पता कर सकते हैं। इसका लोकेशन देखिए यहाँ पे ये हो गया लोकेशन सी यूजर्स यूजर डेस्कटॉप टेस्ट टेस्ट फोल्डर के अंदर ये टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी फाइल जो है वो है। तो इसे करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है यहाँ पे कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं, और कमेंट प्रॉम्प्ट में हम लोग जो कमेंट देंगे वो है यहाँ पे हम लोग कमेंट दे देते हैं CIPAGR साइफर स्पेस फ्रंट स्लैश ई, और इसके बाद एक स्पेस देके आपको पाथ उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का
या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रॉपरली पाथ लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आगे टेस्ट फोल्डर के आगे एक फ्रंट सॉरी बैक स्लैश देके हमें लिखना है DESP टेस्ट टू टेस्ट टू डॉट txt। इस तरह से आप देखिए आपको प्रॉपरली जो है यहां पे, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपको प्रॉपरली इसका पाथ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सॉरी गलती हो गया यहां पे, अब हम लोग एंटर करते हैं और इंक्रिप्शन जो है वो हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देखिए इस फोल्डर के अंदर ये जो टेस्ट टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो भी एनक्रिप्टेड हो चुका है। इसके साइड में भी एक लॉक साइन आ गया है, यानी कि ये एनक्रिप्टेड फाइल बन चुका है। तो इस तरह से साइफर कमेंट की मदद से हम लोग कोई भी फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। आप इसे डिक्रिप्ट करने के लिए हम लोग सिंपली जो है यहाँ पे कमेंट लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे कमेंट देते हैं CIPHER साइफर स्पेस फ्रंट स्लैश डी यानी कि डिक्रिप्ट एक स्पेस, और उसके बाद आपको फिर से उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का पाथ जो है उसे मेंशन करना पड़ेगा est2.txt। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है साइफर स्पेस फ्रंट स्लैश डी स्पेस test2.txt का जो है पाथ। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे डिक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट टू फाइल है वो डिक्रिप्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम लोग साइफर कमेंट की मदद से कोई भी फोल्डर या फाइल को, यानी कि खाली एक पर्टिकुलर चीज नहीं, हम लोग साइफर कमेंट की मदद से कोई भी फाइल या फिर फोल्डर को हम लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा यही है कि जिस कंप्यूटर से इसे एनक्रिप्शन किया जा रहा है उसी कंप्यूटर से आप इसे एक्सेस या मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी और कंप्यूटर से आपका एनक्रिप्टेड फाइल को जो है उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप जल्दी से पा सकें। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।